क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अभी तक तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे फिर से नए व्लॉग में। ये कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनने वाला है, ये स्पेशली आज एक इंटरव्यू बनने वाला है, क्योंकि थंबनेल से आपको बहुत कुछ समझ में आया। तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, इंट्रोडक्शन देने का भी जरूरत नहीं। उन वन एंड ओनली पूरे वर्ल्ड के नंबर वन एक आर्टिस्ट है जो स्पेशली हमारे जगह पे आया है, ठीक है, स्पेशली झारखंड से है, ठीक है। और आपको ज्यादा कुछ हम बताएंगे नहीं, सीधा इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उनसे बहुत सारे वो सब क्वेश्चन भी आज हम करने वाले गाइस। जैसे आपको समझ में आ गया होगा कैसे गर्लफ्रेंड कितनी है वो, ठीक है। और काफ़ी दिनों के बाद ये ब्लॉग आ रहा है क्योंकि मैं बहुत बिजी था अपने एग्जाम में। तो आज ये स्पेशली सर, हाय गाइस। तो ये वायरल बॉय है, बहुत बड़े बहुत बड़े, ठीक है। जो स्पेशली हमारे लोग देखने वाले जितने भी हैं वो लोगों को पता होगा इनके बारे में बहुत अच्छे से, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो बाहर के लोग हैं जिनको नहीं पता उनके बारे में बता देता हूँ। ये स्पेशली इनका नाम पृथ्वीराज अंबेडकर है, है ना सर? जी सर, सभी को जोहार। मेरा नाम पृथ्वीराज है और मैं मंडेखुर्द हजारीबाग का रहने वाला हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। जब मैं 3 साल का था तब से मैं पेंटिंग स्टार्ट कर दिया था और मेरे घर में सारे आर्टिस्ट हैं, पापा मम्मी भैया दीदी सारे आर्टिस्ट हैं और उन्हीं से मैं सीखा हूँ। और 17 साल से मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। अबर में आप देखे होंगे कि एक हाथ से 20 पेंटिंग बनाया, एक हाथ से एक साथ में 20 पेंटिंग्स बनाया और झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर के पास भी जाकर बनाया और वो भी देखे और सेल्फी भी लिए हैं। जैसे हम 20 पेंटिंग्स बनाए थे उसमें एक सप्ताह तक हाथ नहीं उठा था मेरा, एक सप्ताह तक ये यहाँ पे मतलब वो हो गया था, जख्म जैसा हो गया था। और लास्ट में पूरा लास्ट में 3-4 घंटा का था तो ऐसे हाथ पकड़ के बनाते थे। आउटस्टैंडिंग, क्योंकि शॉक हम देख के ना इतने ज़्यादा शॉक हुए ना गाइस। तो गाइस यहाँ तक तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिए थे ये अपने बारे में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये स्पेशली वायरल बॉय क्यों कहलाते हैं, ठीक है। इन्होंने स्पेशली 20 स्केच एक हैंड से, आप लोगों ने पूरा वीडियो वायरल देखा होगा, ठीक है, बहुत लोगों का। बहुत लोग इनको टैग भी किए थे, बहुत लोग मेंशन किए थे, ये खुद अपना वीडियो भी डालते थे। लेकिन एक बाहर के थे, मीन्स महाराष्ट्र के एक भैया थे, उन्होंने टैग करके बनाया था और डाला था। वो तब से वो वीडियो बहुत वायरल हुआ है इंस्टाग्राम में, ठीक है। और वो 20 स्केच बनाए थे, बहुत सारे बहुजन महापुरुष का बनाए थे। वो काफ़ी रियली में बहुत ज़्यादा चर्चित है, पूरे वर्ल्ड का नंबर वन एक आर्ट हो चुका है, ठीक है। और स्पेशली ये बहुत सारा आर्ट है इनके अंदर। जैसे एक होता है कि आप कोइन आर्ट, ठीक है, वो कोइन आर्ट आज तक हम तो खुद नहीं देखे थे भाई, हम पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। वो कोइन आर्ट पहली बार इनके हाथ से देखे हैं और वो रियली में बहुत ज़्यादा, और आपको नहीं पता तो ये पृथ्वीराज अम्बेडकर बहुत ज़्यादा फेमस है। आप इनको गूगल में सर्च कर सकते हैं, इंस्टा में देख सकते हैं, फेसबुक में देख सकते हैं, यूट्यूब में भी देख सकते हैं। और इनका फैमिली बैकग्राउंड पूरा आर्टिस्ट के तौर पर भरे हुए हैं, ठीक है। और इनका घर स्पेशली, ये इन्होंने बताया है कि ये हजारीबाग मंडे के रहने वाले हैं। और आज यहाँ पर मुलाकात ऐसे हुआ ना गाइस, क्योंकि थोड़ा सा कुछ काम था तो उस वजह से ये हमारे यहाँ पर इधर आए थे। तो मैंने सोचा कि उन्होंने थोड़ा प्रोडक्शन लिया क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो गाइज आपको इंट्रोड्यूस करवाने का मेरा मकसद ये है कि आपके अंदर अगर कुछ भी खूबी है ना, कुछ भी हल्का से मेहनत, तो आप लोग ना शुरू कर दीजिए। अगर आप लोग शुरू नहीं करते हैं ना तो वो आगे नहीं बढ़ता। अगर आप लोग शुरुआत करते हैं तो वो 50% ऐसा ही आप लोग जीत जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मेहनत करना है। पृथ्वीराज बहुत छोटा सा मेहनत कर रहा है, हम क्योंकि इसके 1 साल पहले से हम इनके बारे में जानते थे। और अगर उनका आईडी आपको चेक करना है तो वो सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में रहेगा, इनका फैमिली का पूरा। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, इनका पापा का भी है। आउट ऑफ इंडिया से बहुत लोग आए हैं और इंडिया के से भी बहुत सारे स्टेट से लोग आए स्पेशली मिलने के लिए, क्योंकि ये ना वर्ल्ड के नंबर वन आर्टिस्ट हो चुके, पता है, जो एक हाथ से 20 स्केच बनाए। गाइस रियली आउटस्टैंडिंग है, हम तो फैन हो गए भाई, बिग फैन है यार। और सबसे बड़ी बात है ये हम लोग के लोकल्स एरिया से आते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। हजारीबाग में कूट कूट के बढ़ा हुआ है यार, आप लोगों को नहीं पता ना, तो आप लोग अगर कभी हजारीबाग आओ तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे सर अबर ही में भारत एक नई सोच न्यूज़ था, वो यूपी से आई थी मैम, आई थी एक, फिर टाइम्स ऑफ अयोध्या वो बिहार के हैं, वो भी आए थे, और मनीष कश्यप के भाई वो भी आए थे। गॉड, वाओ, रियली गाइस बहुत बड़ी बात, मतलब अचीवमेंट है बहुत बड़ा। और अबर ये हेमंत सरकार मीन्स हमारे सीएम जो हमारे झारखंड के, उन्होंने भी स्पेशली इनसे मीटअप किया, बहुत सारे कुछ प्रोग्राम भी था उनमें, उन्होंने अच्छा प्राइज़ भी लिया ना, और अच्छा अचीवमेंट भी किया। मुझे सबसे बड़ी बात है ना गाइस, कुछ भाई अगर आपके अंदर कुछ भी है ना हल्का सा, वही करो, ठीक है, रुको मत,
इन्होंने बहुत साल स्ट्रगल किया है, मैंने पूरा देखा है, क्योंकि एक साल पहले भी हम इनके फेसबुक आईडी वगैरह देखते थे बहुत सारे सोशल मीडिया, तो वहाँ से पता चला था। और अभी रियली में ये ट्रेंडिंग में, आपको नहीं पता तो पूरा आप देख सकते हैं, मतलब आप लोग देखे भी होंगे, हमको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑडियंस को? यही देना चाहते हैं कि कभी भी हार नहीं मानिए, कोई भी मतलब आपको कुछ बोल रहा है कि ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, आप वहाँ पे ठान लीजिए कि ये हम करके ही दिखाएंगे। वैसे ही हमको भी बहुत कोई बोल रहा था कि ये नहीं कर पाएगा तुम, पहले हम एक ही स्केच बनाते थे तो दो स्टार्टिंग में तीन बनाए थे, दो बनाए थे ऐसे में बनाए थे, तो फिर सब बहुत कोई कमेंट किया कि नहीं कर पाएगा 20 पेंटिंग ये सब वो सब, तो फिर हम ठान लिए तो और अभी एक हाथ से 20 पेंटिंग भी बनाए। तो थैंक यू सो मच। और गाइस एक दो क्वेश्चन हम इनसे पूछते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि बहुत सारे ऑडियंस का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, वो गिने चुने क्वेश्चन वो पूछते हैं, ठीक है। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं अभी तक तो मैं नहीं सोचा हूँ अभी तक। आगे सोचते हो क्या? नहीं अभी नहीं, तो पक्का नहीं, कामयाबी नहीं अभी नहीं, अभी नहीं मतलब आगे जब तक कामयाबी हासिल नहीं कर लेंगे ना तब तक कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी गाइस, बहुत अच्छी बात। और एक दो क्वेश्चन और, वैसे तुम क्या स्टडी कर रहे हो वो बता सकते हो? अभी बीए में है संत कोलंबस कॉलेज से, हजारीबाग संत कोलंबस कॉलेज बीए सेमेस्टर वन से है, अभी हिस्ट्री लेकर ऑनर्स हिस्ट्री है मेरा, वही अभी पढ़ रहा हूं। स्पेशली तुम हजारीबाग से हो, हजारीबाग झारखंड से है गाइस। गाइस एक और बहुत सबसे बड़ी बात खासियत है ना इनके फैमिली में, इनके पापा स्नेक रेस्क्यू है, ठीक है, और ये बहुत बचपन से टैलेंटेड है। तो स्पेशली अभी मैं हमारे गांव में आए थे, स्नेक रेस्क्यू के थ्रू ही आए थे, और तो पता चला था कि स्पेशली प्रीत आया है, तो मैं तो भागा भागा दौड़ा चला गया, पापा बताए थे, तो स्पेशली एक इंटरव्यू हो गया। और स्नेक रेस्क्यू भी बहुत अच्छे हैं, करते हैं हाँ, ये भी करते हैं, इनको बचपन से टैलेंटेड है, और अभी भी यही किए थे यहाँ पे, ठीक है। तो उनका शॉर्ट्स हम तो नहीं लिए वीडियो, अगर लिए होते तो आपको डाल के दिखा देते हैं, और रिले में बहुत बड़ा था। तो और बहुत सबसे बड़ी गर्व की बात है ना, ये हम लोग के हजारीबाग से आना तो वो बहुत प्राउड फील होता है। और गाइस अभी ये ट्रेंडिंग में पूरा चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, और मेरा भी उम्मीद यही है कि तुम इसे स्पेशली ऐसे ही आगे बढ़ो, बस भूलना नहीं कभी, बस जैसे हजारीबाग का नाम रोशन करे सबसे पहले, फिर झारखंड का नाम रोशन करे, फिर इंडिया का नाम रोशन करे, पूरा मतलब वर्ल्ड में हम छाना चाहते हैं, जरूर 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 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। गाइस कुछ नहीं, मेरे ऑडियंस जितने भी है गाइस पूरा सपोर्ट करो, ठीक है, कुछ नहीं करना है लोगों को, पहले आप एक बार देख लो, अगर आपको लगता है ना टैलेंटेड नहीं है, भाई हम लिख के दे रहे हैं टैलेंटेड भरा हुआ है, ठीक है, आप लोग देख के शौक हो जाओगे। आज तक ऐसे टैलेंटेड नहीं देखो, पहले कि आपको ना इसमें दिखेगा कि आप जो कॉइन रखते हैं ना, कॉइन से बनाते हैं, पता है आपको, वीडियो दिख रहा होगा, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी इनका इंस्टा आईडी रहेगा, यूट्यूब चैनल का लिंक रहेगा, सब कुछ भरा रहेगा, ठीक है, जरूर देखना, उसके बाद बताना कि मैं सही किया कि नहीं वीडियोस बना के, ठीक है गाइस। और आप लोग जितने भी पूरा अपना प्यार दिखाना, पूरा प्यार दिखाना, मेरे चाक के जितने लोकल है वो पूरा फैला दें, जैसे मेरी मेरा आर्ट तो आप देख लिए, मेरी माँ का भी देख सकते हैं आप, क्यून ऑफ पेंटिंग संगीता आर्ट करके चैनल है, उस पर जाके देख सकते हैं, वो भी आर्टिस्ट है, वो भी बनाती है। और पापा का तो अभी आर्ट वाला तो नहीं है, तो स्नैक वाला है अभी, वो एम गोपाल आर्ट करके है चैनल, उस पर जाके देख सकते हैं। एक चीज़ हमसे जानना चाहेंगे, ये तुम्हारा ये मतलब बचपन से ये आर्ट के फील्ड में कैसे जाना इच्छा रहा, ये मुझे थोड़ा सा डीप जानना चाहिए। जैसे पापा भी आर्टिस्ट है ना और मम्मी भी आर्टिस्ट है, तो बचपन में ही वो स्केचिंग करते थे, तो हम भी पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे में मतलब चीज देते थे, तो वो हल्का हल्का, फिर मम्मी बताने लगी, पापा बताने लगे कि ऐसे होगा वैसे होगा, फिर धीरे धीरे करते करते, फिर भैया मेरे वो साथ रहते थे मेरे स्कूल टाइम में साथ रहते थे, वो कॉम्पिटिशन में भी जाते थे मेरे, हाँ, तो वो भी सिखाते थे हमको कि ऐसे में बनाओ ऐसे ठीक रहेगा। हाँ गाइस कुछ नहीं यार, पूरा फुल सपोर्ट दिखाओ, अपना पूरा प्यार दिखाओ, मेरे ऑडियंस जितने पूरे दिखाओ गाइस, और आप लोग इचाक से जितने लोग देखते हो ना यार, पूरा प्यार दिखाओ यार, आप लोग को पता है, ठीक है, तो आप लोगों को कुछ करना नहीं, पूरा वीडियो को शेयर करो, पूरा देखो, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही प्रीत राज अम्बेडकर को आगे बढ़ाओ। मैं चाहता हूँ कि अभी यहाँ प्रीत है ना गाइस, यहाँ जाए, इससे भी ज़्यादा जाए, जहाँ तक इसका लिमिट है वहाँ तक जाए गाइस, और फुल सपोर्ट रहेगा। अभी इसका स्टार्टिंग हुआ है गाइस, तो अभी देखिएगा, अभी एक दो महीना में ना और वायरल होने वाला है, मुझे बहुत गर्व है, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि प्रीत से बहुत सारा उम्मीद था पहले भी इनके फैमिली से, और आज वो धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है, ये छोटे छोटे अचीवमेंट हैं इनके, और बहुत सारा बहुत टैलेंटेड है गाइस प्रीत राज,
तो गाइस मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग में नए तरीके से। ये तो एक इंटरव्यू ब्लॉग था, बट कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग आपको दिखेगा बहुत नए तरीके से। आज हम प्रीत के साथ अभी यहाँ पे है गाइस, इसके बाद फिर चलेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे कभी, उस समय सोचेंगे कि प्रीत यहाँ पे रहे जरूर, उनसे पूरा हो गया। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टाटा।